तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल सब लोगों के। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बोला था, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए कुछ अलग अलग तरह की वीडियोस लेके आऊं। इस वीडियो में क्या होने वाला है कि जो हम घर में बेड यूज़ करते हैं उसके दोनों साइड में एक एक शेल्फ रखते हैं, छोटे वाले जो मतलब कुछ होते हैं 1 फुट 1.5 फुट तक के होते हैं, तो वो लकड़ी से बने होते हैं। उनके ऊपर माइका लगती है ताकि उसमें टेक्सचर फील आए, वो दिखने में अच्छे लगे। तो क्या होता है कि वो माइका जो है उसके कॉर्नर जो टॉप साइड होती है ना, यूजुअली जब हम बेड के इधर मूव करते हैं भी कुछ रखते हैं तो उस पे जब साइड से थोड़ा वो रगड़ खाता है तो माइका कॉर्नर से फटती है, और ऊपर जब भी उसके कुछ पानी वगैरह गिर जाए या मॉइस्चर वाला आ जाए तो धीरे धीरे ओवर द टाइम वो माइका जो लकड़ी से बनती है वो माइका धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। उसमें मॉइस्चर फूलने वगैरह लग जाती है उसमें, या फिर चिपिंग हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखिए कि मैंने क्या किया है उस चीज़ से बचने के लिए मेरे शेल्फ के साथ। तो गाइस, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले इंट्रो में बताया था कि आज हम क्या करने वाले हैं, मेरे सामने हैं दो शेल्फ जो हमारे बेड के एक एक साइड लगते हैं। तो नॉर्मली ये वुड के होते हैं, पर इनके ऊपर एक माइका की लेयर लगाई जाती है। माइका एक तरह का थिन पतली सी लकड़ी की शीट टाइप से, जिसपे टेक्स्चर्स होते हैं अलग अलग। तो जैसे कि मेरे पे दोनों पे अलग अलग हैं, आप देख सकते हैं इस पे अलग टेक्स्चर है, इस पे अलग टेक्स्चर है, क्योंकि माइका हमेशा एक जैसा नहीं होता। पर इसके साथ एक और परेशानी आती है कि नॉर्मली ये जो एजेस रहती हैं ये वाली, यहाँ से माइका थोड़े बार टाइम बाद ख़राब हो जाता है। और जब हम नॉर्मली इस पे गर्म या ठंडा कुछ मॉइस्चर वाला रखते हैं, या तो इस पे हम बिल्कुल गर्म गर्म रखते हैं तो अभी उससे वुड पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि माइका जो है वुड से बनती है। जब ठंडा रखते हैं तो उसका भी मॉइस्चर कई बार ही रहता है। तो ये एक ही बार में नहीं ख़राब होती, ये टाइम के साथ धीरे धीरे ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। तो इससे बचने के लिए मैंने, जब इस पे हम कुछ भी गर्म ठंडा रखें, खैर गर्म का तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो हीट जाएगी जाएगी, यहाँ पर जो हम मॉइस्चर और उस चीज़ से हम इसको बचा सकते हैं, और इस पे ऊपर से स्क्रैच और बाकी सब चीज़ें भी लगती हैं तो हम उससे ही बचा सकते हैं। सो इसके साथ तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। अगर देख पा रहे हो तो दोनों की शाइन्स अलग अलग हैं। इसमें थोड़ी ज़्यादा शाइन दिख रही होगी आपको और इसमें ज़्यादा शाइन नहीं दिख रही होगी। हाँ, इसमें शाइन नहीं दिख रही होगी और इसमें शाइन काफ़ी ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि मैंने इसके ऊपर लगा रखी है जो एक हमारी आती है ना, जिससे बंदे बाइक वगैरह पे ट्रांसपेरेंट रैप वगैरह करवाते हैं, जो बाइक पे स्क्रैचेस वगैरह से प्रिवेंट करता है, टैंक्स वगैरह और फेंडर्स वगैरह पे। तो मेरे एक नॉन थे, मैं उनसे लेके आया था एक, मैं लेके तो दोनों के साइज़ के लिए आया था, लेकिन मैंने इसे पहले लगा दी थी। मेरे पास शॉर्ट ऑफ टाइम था दिन में, तो लगाने में ज़्यादा देर नहीं लगती, पर कई बार यार मन नहीं करता यूज़ करने का। तो मैंने इस पे लाते तो एक दिन पहले, एक ही दिन में लगा दी थी तो ये रह गया था। तो मैंने अब सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो ही बना देता हूँ कुछ टाइम बाद। इसके बस दिक्कत ये है कि ये एजिस पे अच्छे से लगता नहीं है, क्योंकि एक तो ये राउंड हो जाती है एज, और एज पे लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। टॉप से काम बहुत अच्छा करता है, और साइड से ऊपर से जो कई बार इधर उधर स्केचेज लगाते हैं साइड से, क्योंकि माइका बहुत जल्दी फटती है, तो ये उससे ही बचा लेता है। तो अभी ये वाला शेल्फ मेरे को हो गए ऑलमोस्ट 2 मंथ हो गए लगाए हुए, काफ़ी अच्छा चल रहा है। और बिल्कुल कहीं से जब मतलब उससे जब लाया मैं, उससे पहले यहाँ पे स्टार्ट थोड़ा सा चिप एक यहाँ से हल्का सा फटना स्टार्ट हो गया था, तो मैंने उससे पहले ही लगा दी थी। मैंने ऐसे कॉर्नर्स में भी लगा दी, तो ये वाला काफ़ी अच्छा है। अभी मैं इस पे लगाऊंगा, देखिए वीडियो में मैं कैसे लगाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि कितना इजी रहता है इसके ऊपर लगाना और क्या क्या आपको चाहिएगा उसके। हाँ तो भाई, अभी काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ कुछ भी नहीं चाहिए। एक तो आपको ये शीट खरीद के लानी है, शीट इन द सेंस ये साइज में मिल जाती है नॉर्मली, जो भी आपके पास आस पास बाइक की डिटेलिंग या फिर स्टिकरिंग वगैरह, फिर या एसेसरी अगर भी काम करता हो बंदा, उसके पास ये आइटम होगा। तो कुछ नहीं, अपनी अपना जिस भी चीज पे आपको इसको लगाना है आप इसको मार्केट से खरीद के ला सकते हो, और आपका बस कुछ नहीं करना, उसके ऊपर ऐसे रखो और अपना साइज के अकॉर्डिंग इसको मेजरमेंट करो और पीस काट के रख लो एक साइड में। जैसे कि अभी मैंने, तो मेरे पास थी इतनी लंबी, तो मैं ऑलरेडी एक शीट इतनी बड़ी लगा चुका हूँ, तो अभी मैं यही करूंगा, मैं इसके अकॉर्डिंग ही शीट को इतना काट, इतना मेजर करके और सेपरेट कर लूंगा। तो मेरे पास मार्किंग है, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर सेपरेट है सीधी लाइन काट लूँ, ताकि मेरा जो ये वाला पीस है मैं किसी और चीज़ पे फ्यूचर में यूज़ कर पाऊँ। तो अभी मैं यही करूँगा कि इस पीस को यहाँ से कट कर लूँगा। और आपको इस काम के लिए कुछ नहीं, बस एक ब्लेड चाहिए, आप ब्लेड कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, मेरे पास ये वाला अवेलेबल है। मेरे ये नॉर्मली मिलता नहीं है लोगों को, तो मेरे कुछ नॉन सोर्सेज हैं तो मेरे को मिल गया ये। आप ब्लेड कोई भी यूज़ कर सकते हो, जो नॉर्मली स्लाइड स्लाइड नाइफ होते हैं जो वो डिटेल शॉप्स पे बंदे रखते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हो, जो नॉर्मली अनबॉक्सिंग नाइफ जिसको कहते हैं, वो ऐसे करके कटर करके ऊपर निकल के आता है इसका ब्लेड। तो जैसे कि अब मैंने इसको मेजर कर लिया है, तो मैं इसको यहाँ से कट कर लूँ। अब मेरा कट तो हो गया ये पीस। तो अब कुछ नहीं, आपको इसको ऐसे रखना है, और इसको लगाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको अच्छे से क्लीन कर लें। दूसरा, मैं एक और इम्पोर्टेंट ट्रिक दिखाऊंगा अभी आपको, एक मिनट दीजिए, मैं दो आइटम और लेके आता हूँ।
So I am back and I came with two items. Then first is this. Okay, don't about the bottle. It's not about the bottle. It's in the liquid. जो अंदर जो है इसमें वो है थोड़ा सा सोपी वाटर, थोड़ा वो शैम्पू और उसमें पानी मिक्स कर लीजिए और आपका रेडी हो जाएगा। ये आपकी टेबल क्लीन करने में और इस रैप को छोड़ने में बहुत हेल्प करेगा। और दूसरी चीज़ ये, आप किसी भी तरह का कार्ड यूज़ कर सकते हैं। कार्ड मिल क्योंकि कार्ड घर में इजीली अवेलेबल हो जाता है, मेरे को पता है मेरे पास एक्स्ट्रा बहुत सारे पड़े हैं क्योंकि ये नॉर्मली एक्सपायर होते रहते हैं। तो मेरे घर में भी काफ़ी फैमिली मेम्बर्स हैं तो सबके एक्सपायर होते रहते थे, तो मेरे पास काफ़ी सारे इकट्ठे हो रखे हैं। तो एक कार्ड चाहिए। इसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको प्रॉपर अलाइन कर लीजिए सबसे पहले, एक लेआउट सही तरीके से कि आपको कहाँ पे कितना लगाना है। जैसे कि अब मुझे इसकी ये बाउंड्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि मैं यहाँ पे नाप के इसको ऐसे कर लेता हूँ, या फिर आप इसको ऐसे ही मेजर कर सकते हैं साइड वॉल्स के अकॉर्डिंग। तो मैं इस पर ऐसे कर लेता हूँ ताकि ये साइड से नीचे तक लग जाए। तो पहले यहाँ पे अलाइन कर लीजिए। आप आगे से अच्छे चेक कर लीजिए कि ये यहाँ पर आपका प्रॉपर आ जाए फ्रंट एरिया में, क्योंकि ये फ्रंट एरिया कवर हो जाएगा तो यहाँ पे भी आपका खराब होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि नॉर्मली फ्रंट से ज़्यादा यूज रहता है इसका, बैक इतना काम नहीं आता। तो बैक पे आप कम इसको डाउन बहुत कम भी करेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। आप आगे से अच्छे से फोल्ड करना है हमें। मैं यहाँ पे ऐसे मार्किंग दे दूंगा इसके अंदर। ये प्लास्टिक रैप है तो इसमें ऐसे हम उंगली से अगर हार्ड प्रेस करेंगे एजिस के अराउंड तो इसमें मार्किंग हो जाएगी कि हमारे कॉर्नर्स कहाँ आएंगे। ऐसे मार्किंग्स के बाद तो कुछ नहीं करना, आपको बड़ी अच्छे जैसे मार्किंग दे देनी है इसके अंदर। जैसे एज पे आप ज्यादा प्रेशर थोड़ा बहुत भी देंगे तो एज में निशान बन जाता है एक हल्का सा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होगे एक सीधी सी लाइन आ गई हल्की सी, रिफ्लेक्शन आई थिंक ढंग से दिख नहीं रहा होगा, और इधर भी आ गई है और फ्रंट में भी एक ऐसे यहाँ पे आ गई है। तो ये हमारी बहुत ये मार्किंग थोड़ा इजी कर देंगे लगाने के टाइम पे। अब कुछ भी नहीं करना है, इसको उल्टा करो। ओके, एक्चुअली इस वाली पे तीन लेयर आती है, एक जो एक्चुअल शीट होती है जो लगती है, एक उसके ऊपर लगी रहती है उसकी प्रोटेक्टेड फिल्म, जब तक आप उसको हटाओगे नहीं वो ऐसे रफ सी दिखेगी थोड़ी सी गंदी सी, और नीचे होती है जो एडिसिव के नीचे लगती है। तो हमें एडिसिव वाली साइड उतारनी है, और ध्यान से उतारना भाई, एडिसिव वाली पहले उतारना क्योंकि दूसरे वाली लगाने के बाद उतारोगे तो ये अच्छा रहेगा, नहीं तो लगाने के टाइम पे भी काफी इशू हो सकता है। ओके, ये एडिसिव वाली साइड है, देख रहे होगे ये यहाँ पे थोड़ा बिट इशू आ सकता है क्योंकि यहाँ पे ये निकली है। अब कुछ नहीं करना है, ऐसे में आप दो काम कर सकते हो, एक तो इसका हल्का हल्का स्प्रे इसके ऊपर कर दो, ज्यादा नहीं बिल्कुल हल्का हल्का करना है, ताकि हम जब इस पे अच्छे से अलाइन करें दोबारा तो वो इस पे एक बारी में ग्रैब ना करे, क्योंकि थोड़ा बहुत अलाइन करना पड़ता है रखने के बाद भी। और वो जो मैं कार्ड लाया था मैं उसका भी यूज दिखाऊंगा कि उसका यूज मेरे को कहाँ आएगा अभी भी। पहले इसको एक बार और स्प्रे कर लो पूरी शीट पे अच्छे से, थोड़ा थोड़ा करके इस पे ऐसे स्प्रे कर लो, और फिर इस शीट को इसके ऊपर रखो। अब देखिए, तो जो इस पे हमने स्प्रे किया था ना वो हेल्प यहाँ करेगा। जैसे कि अब मैंने इसके ऊपर एक बार रख दिया पर ये चिपका नहीं है अभी भी, क्योंकि वो पानी की वजह से बीच में लेयर आ गई है। पर अब हमें ये उठा के इसको अलाइन करने में काफी इजी हो जाएगा, इसीलिए मैंने वो लिक्विड स्प्रे किया था एक बार। अब एक बार जब तुम इसको अच्छे से ऐसे अलाइन कर लो यहाँ पे रख के कि हाँ अब तुम्हारा कन्फर्म है कि तुम्हें यही वाली साइड यही रखनी है, सो जैसे कि ऐसे करके अलाइन कर लो एक बार। जैसे अब मेरा फाइनल हुआ है कि मेरे को इस एंगल पे रखना है इसको, तो सबसे पहले तो इस प्लेस को फाइनल करो। और जो कार्ड था वो अब यहाँ पे हेल्प करेगा कि इसको ऐसे हल्का सा स्क्वीज करोगे ना आगे की तरफ, तो जो पानी था जो हमने सोपे वाटर स्प्रे किया था वो पानी ऐसे बाहर आ जाएगा सारा इसके एजिस से, देख रहे हो, और ये चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। इस एरिया में जो है वो गम एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगी अपने आप धीरे धीरे। सो आप इसको ऐसे एजिस की तरफ बाहर पुश करेंगे कार्ड से, ये इतना सिंपल रहेगा आपके लिए। और अगर ऐसा है कि आप सिर्फ टॉप टॉप के एरिया को कवर कर रहे हैं, आपकी बाउंड्रीज जैसे कि आप मानते हैं कि सॉलिड हैं, आपको लगे कि हाँ मेरी बाउंड्रीज में कोई इशू नहीं आने वाला, अगर टॉप टॉप को कवर करना है तो ये तो बहुत ईजी हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है ऐसे टॉप पे लगाने के बाद, और आप उसकी बाउंड्रीज यहाँ से ब्लेड से कट कर सकते हैं एक बार वो टॉप पे चिपक जाए। ये देखो कि भाई मेरा तो ऑलमोस्ट यहाँ से चिपक गया सारा, मेरे इस पे कुछ नहीं बचा। ये हल्की सी जो लाइनिंग्स आती हैं ये जब हमारे इसमें रैप में जब मोड़ने वजह से गुलझटे पड़ जाती हैं तो ये उसकी वजह से आती है। तो ये तो चिपकाने के बाद चली जाएंगी बाद में आराम से, जब एडिसिव अपना काम स्टार्ट करेगा तो ये लाइनिंग्स तो आपकी खत्म हो जाती हैं। अब इसका काम हमारा स्टार्ट होता है कि हम एजिस पे चिपकाना स्टार्ट करें। तो इसके लिए अगर आपके पास घर में एक बड़ी अच्छी चीज़ अवेलेबल है जो कि आजकल मैं मानता हूँ कि नॉर्मली हर घर में मिल जाती है तो वो ले आइए, मैं उसके साथ एक मिनट में वापस आता हूँ। तो हाँ भाई, मैं आ गया वापस और वो मैजिकल चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ। 3, 2, 1। ये सब नॉर्मली सबको पता होगा, ये है हेयर ड्रायर, और हेयर ड्रायर यहाँ पे हेल्प करेगा। जैसे ही मैं इस पर थोड़ी सी गर्म हवा स्प्रेड करूंगा
तो ये एजेस सॉफ्ट हो जाएंगी और ये एक ही बार में साइड में एज होके चिपक जाएगा इस पे अच्छे से। ओके कनेक्शन मेरा हो गया। अब मैं पहले यहाँ पर इसको थोड़ी थोड़ी स्प्रेड करूँगा हीट। अब हीट से क्या होगा कि ये जो है शीट ये हो जाएगी सॉफ्ट, और डबल फायदा ये है कि बीच से थोड़ा ग्लू भी है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है जल्दी से। तो कुछ नहीं करना, थोड़ा सा हीट है स्प्रेड करिए, थोड़ा दूर स्प्रेड करना ताकि ये गर्म होगी बहुत ख़राब भी हो जाती है कई बार। थोड़ा दूर स्प्रेड करो, इसको बंद करो और कुछ नहीं है, इस शीट को यहाँ से कॉर्नर्स पे से नीचे दबाओ। ज़्यादा इशू फील हो तो कई बार आप कार्ड की हेल्प ले सकते हो यहाँ से। अभी देखो मैं जब बता रहा था ना तुम्हें ऊपर वाली शीट, तो यहाँ पे ऊपर वाली लाइनिंग उतरना स्टार्ट हो गई है। ऊपर ही वो बहुत पतली थिन लेयर होती है इसलिए वो कई बार ऐसे लगाते टाइम भी उतर जाती है। तो अभी ये देख सकते हो कि हाँ मेरा यहाँ का तो हो गया, वो कितनी इजीली यहाँ पे चिपक गया। अब ऐसे ही कुछ नहीं करना, आपको ऐसे ही बाकी एजिस पे भी करना है। तो मैं ज़रा झटपट करके आता हूँ। हाँ तो मैंने अभी ये फ्रंट और दोनों साइड से तो चिपका दिया है, बट अभी जो बैक है उसमें मेरे पास दोनों तरफ शार्प एजेस हैं जो इसकी वजह से क्रिएट हुई है। तो उसके लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इसके बीच में यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं इसके बीच में यहाँ से एक कट लगाऊंगा ऐसे करके, और इस तरफ भी एक कट ऐसे ही लगाऊंगा जस्ट सेम, जो यहाँ से ऐसे जाएगा, काम इजी हो जाएगा। जैसे कि जैसे हमने साइड से फोल्ड किया था वैसे ही हमें नीचे फोल्ड करना है, जो इसको अच्छा हेड ड्राइव मारना और भी आसान हो जाएगा ताकि हमारी एजेस सॉफ्ट हो जाए थोड़ी सी। सो हेड ड्राइव की मदद से होता ये कि जो गर्म हुआ हेड ड्राइव छूटता है ना उसके वजह से एक तो ये जो शीट है ये सॉफ्ट हो जाती है तो ये कॉर्नर्स पे आराम से चिपक जाते हैं, और दूसरा जो ग्लू है वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है। तो एक बार ग्लू अच्छे से एक्टिवेट होता है तो वो चिपक इजीली जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पे अभी देखिए एक ही बारी में यहाँ पे चिपक गया बिल्कुल अच्छे से। सो अभी कुछ नहीं करना, जो साइड कॉर्नर्स हैं उनको आप ऐसे इस पर चिपका दीजिए ताकि आपका जो ये कॉर्नर वाला पैच है ये अच्छे से डबल सिक्योर हो जाए। आप इस साइड भी यही कर सकते हैं, और हाँ जो ये इधर एज बने तो इसी से खास ख्याल रखिए, अगर आप थोड़ा बहुत टेढ़ा वेढ़ा काट रहे हैं तो यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा शीट होती है जो ऊपर निकल रही है उसको जरूर काट दीजिए ताकि कल को इसकी वजह से आपका रैप उतरना स्टार्ट हो जाए कॉर्नर से। अगर रैप रैप के ऊपर अच्छे से चिपक रहा है तो फिर वो कॉर्नर सिक्योर हो जाता है। अब हमने यहाँ तो कर लिया अच्छे से, अब बारी आती है यहाँ की, क्योंकि यहाँ पे है एक तो मेरा ड्रॉर आ जाएगा बीच में जो चिपक रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ऊपर से ये आते हैं कॉर्नर। तो पहले हम ड्रॉर का कर लेते हैं। ड्रॉर का कुछ नहीं करना है, जो ड्रॉर की एज वाला एरिया है बिल्कुल आप वहां से ऐसे नाइफ जो अपना ब्लेड होता है वो अंदर डालिए और ऐसे कटिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो ऐसे क्या होगा कि ये ऊपर तक आ जाएगी इजीली आपकी, और यहाँ तक आपका कट जाएगा बिल्कुल प्रॉपर। अब एंड में कुछ नहीं करना, एंड में भी ऐसे ही जो ये जो एज बनती है हमारी ये वाली, आई होप कि दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ऐसे ही ब्लेड डालिए और यहाँ पे भी ऐसे ही कटिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं थोड़ा सा इस एरिया को काट के निकाल दे रहा हूँ ताकि मेरा लग काम थोड़ी आसान हो जाए। अब इस कॉर्नर का भी मैं भी बताऊंगा क्या करना है, क्योंकि ये जो राउंड कॉर्नर है ये बड़ा परेशान करते हैं मेरे दूसरे वाले में, मेरे को बहुत इशू हुआ था इस राउंड कॉर्नर पे लगाने के टाइम पे। उससे पहले हम ये जो एरिया है इसको क्लियर कर लेते हैं काट के, और दूसरी साइड भी ऐसे ही करना है क्योंकि, तो मैं आपको 2 मिनट में मिलता हूँ काट के इसको सारे को। हाँ तो हम फाइनली बैक आ गए, अभी जो बचे हैं हमारे सिर्फ ये 2 कॉर्नर्स बचे हैं, और एक्चुअली मेरा यहाँ पे कॉर्नर पे से ही थोड़ा सा ऑलरेडी उतरा भी हुआ है तो अभी मेरा ये भी सिक्योर हो जाएगा। तो कॉर्नर के लिए अभी सबसे पहले तो एक कट लगाना बहुत जरूरी है इसके अंदर जो हमारी दोनों एज को साइड कर देगा। और अब सबसे बड़ी दूसरी चीज, इस कॉर्नर पे हमारा हेड ड्रायर हमारी बहुत हेल्प करेगा। पिछले वाला मैंने बिना हेड ड्रायर के लगाया था, पर इस बार ही हेयर ड्रायर से मेरा काम इतना आसान होने वाला है जिसकी हद नहीं। तो आप कुछ नहीं करना, आपको डिसाइड करना है आपको कौन से वाली साइड अंदर देनी है। मैंने जो डिसाइड किया है, मैं पहले इस वाली साइड से उस तरफ फेस कर दूंगा अंदर की तरफ, और फिर उस वाली साइड को इस तरफ कवर कर दूंगा ताकि मैं कभी भी अगर आगे से हाथ मारूँ तो ये इधर से ना उतरे, ये इधर की तरफ कवर हो जाए। तो जो ये फ्रंट वाला सेक्शन है मैं उसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, और यहाँ से हेयर ड्रायर से इसको अच्छे से छुपा हॉल करके ऐसे चिपका देना, और जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा काफी अच्छे से तो मैं कुछ नहीं करूंगा भाई, बड़ी इजीली अंदर की तरफ ये चिपक जाएगा, एक ही बारी में चिपक जाएगा और ये इतना सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखो ये एक बारी में चिपक गया इधर, और अब ऐसे ही, हाँ तो देख लिया ना आपने कि पहले मेरा एज एक बारी में इजीली चिपक गया,
मैं इस वाले को भी थोड़ा सा आउट करूंगा ताकि एडिटिव वर्क में जल्दी आ जाए, और इसको एक ही बारी में इसके ऊपर इधर से चिपका दूंगा। भाई उस वाले को चिपकाने में बहुत मेहनत लगी थी कॉर्नर से, पर ये वाला एक ही झटके में हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा था अगर आपको घर में एयर ड्रायर मिल जाए तो बहुत काम आसान हो जाएगा आपका। और अब कुछ नहीं है, जैसे हमने बाकी एजेस काटी थी वैसे ही इसको भी एज को यहाँ से काट दीजिए, हमारी एक कॉर्नर कंप्लीट हो गई। ऐसे मैं दूसरी भी कर लेता हूँ झटपट ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देख रहे हो कितना ईजी हो जाता है भाई एक हेयर ड्रायर हो तो आपके पास। और अब ये गर्म हो रहा है तो इसकी मदद से जो क्या नाम है एडिसिव वो एक बारी में बहुत अच्छे चिपक रहा है, और एडिसिव अगर एक बारी में अच्छे चिपक जाए ना तो भाई आपका मेजोरिटी ऑफ वर्क खत्म हो जाता है। सी कितना क्लीन आया है। और अब जो ये थोड़ा रफ दिख रहा है मैं उसका भी दिखाता हूँ। कुछ नहीं भाई, ये जो लगा है ना ऊपर वाला फिल्म इसको ऐसे रब करके उतार दो भाई पूरे को। सी जो ऊपर एक्स्ट्रा लेयर होती है वो कैंसिल करती है। हाँ तो भाई ये कुछ इसके ऊपर से निकली है और अभी ऐसा कुछ क्लीन दिख रहा है। अभी दिखाता हूँ मैं कैमरा उठा के आपको अच्छे से इसके लुक्स, ये चारों तरफ से दिख कैसा रहा है। हाँ तो देख सकते हो इसकी शाइन क्या आई है, और मैं इसकी थोड़ी सी एजेस भी दिखाता हूँ आपको अच्छे से। अभी ये साइड से ऐसे चिपक गया इतना नीचे तक, इधर भी ऐसे यहाँ तक ऑलमोस्ट यहाँ तक इसका आया है इम्प्रेशन, और यहाँ भी ऐसे नीचे तक आया है। तो भाई देख रहे हो क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है, अभी एक कॉर्नर्स हो गए। सो यहाँ पे मैंने देखा था कि मेरा थोड़ा सा चिपिंग हो रहा था इसमें, और यहाँ पे तो खैर था ही एक जगह, मैंने उस वाले में दिखा था, इस वाले में दिखा था, पता नहीं कहाँ दिखा। हाँ उस वाले में था, उस वाले में यहाँ से थोड़ा सा मेरा चिप हो रखा था ये। बट अभी देख सकते हो इसकी लुक्स कितनी अच्छी आई है निकल के। सो यही था, अभी मिलते हैं आपको आगे किसी और वीडियो के साथ। अभी तक की हमारी गाइड यहीं तक की है, आप लोगों को मिलते हैं आगे। सो कैसी लगी आप सबको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई अगर चैनल पे अलग अलग तरह का कंटेंट देखना चाहते हो, क्योंकि मैं अब जो आगे पोस्ट करूँगा वो जरूरी नहीं कि मैं इस तरह का कंटेंट पोस्ट करूँगा, जो मैं यूजुअली करूँगा जो मुझे लगे कि आप लोगों के काम के आने वाली चीज़ें हैं तो मैं वही पोस्ट करूँगा। तो भाई अगर सब कुछ अच्छा लगे तो भाई चैनल को कर देना सब्सक्राइब अगर न्यू हो तो। भाई पुराने बंदों को तो पता ही कि लाइक वगैरह करना है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, बाय बाय।